हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉ इज लव। तो आज हम करेंगे सेक्शन नंबर 119 ऑफ कंपनीज एक्ट। सेक्शन नंबर 119 आपका आता है एजीएम के टॉपिक में। तो ये डील करता है इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स बुक ऑफ जनरल मीटिंग से। इसका मतलब है कि कंपनी ने मिनट्स बनाए। मिनट्स का मतलब आपने सेक्शन 118 में सीखा, कंपनी ने जो भी मीटिंग हुई उसको रिकॉर्ड किया, उसे हम बोलते हैं मिनट्स। ठीक है, अब क्या मिनट्स बुक बनी, क्या उसको कोई इंस्पेक्ट कर सकता है? आके चेक करना चाहे तो क्या कर सकता है? तो आज हम इस सेक्शन में ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सबसेक्शन बोलता है द बुक्स कंटेनिंग द मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी की कोई भी जनरल मीटिंग के मिनट्स और ऑफ अ रेजोल्यूशन पास बाय पोस्टल बैलेट। और आपने कोई भी रेजोल्यूशन पास किया है पोस्टल बैलेट से सेक्शन 110 में, शेल आप रखोगे उसको, शेल बी केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। कंपनी के कहाँ रखोगे? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। एंड बी ओपन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स टू द इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर विदाउट चार्ज। सबसे पहली चीज बोली कि रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखोगे, दूसरी चीज बोली बिजनेस आवर्स के टाइम में इंस्पेक्शन के लिए वो ओपन रहने चाहिए। बी ओपन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स टू द इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर, यानी कि कोई भी मेंबर चाहे तो आके चेक कर सके, वो भी बिना किसी चार्ज के, विदाउट एनी चार्ज। बट सब्जेक्ट टू सच रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, आप कुछ रीजनेबल जो जस्टिफिएबल होंगी, जो लगाने के लिए ठीक होंगे, आप कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो एज अ कंपनी में बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी और इन जनरल मीटिंग, जो कंपनी कुछ रिस्ट्रिक्शंस को लगा सकती है। ठीक है, इम्पोज कर सकती है। सो हाउएवर दैट नॉट लेस देन 2 आवर्स, इन ऐसी कंडीशन लगा सकती है इम्पोज। So, however, that not less than 2 hours in each business day are allowed for inspection. यानी कि एक दिन में आप 2 घंटे से कम नहीं अलाउ करोगे। रिस्ट्रिक्शन लगाओ, कोई मना नहीं है, बट रिस्ट्रिक्शन लगाने से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन में 2 घंटे से कम अलाउ कर रहे हो। यानी कि आपको एक दिन में 2 घंटे तो इंस्पेक्शन के लिए अलाउ करना ही होगा। दोबारा पढ़ लेते हैं। The books containing the minutes of proceeding of general meeting. पहली चीज़ बोली general meeting के minutes, दूसरा बोला postal ballot के जो resolution pass हुआ है उसका, उसके जो भी minutes होंगे उसको आप रखोगे registered office पे। दूसरा बोला be open, वो खुले रहेंगे during business hours to the inspection, inspection के लिए कोई कौन कर inspection कर सकता है, by any member without charge, but subject to such reasonable restrictions, कुछ reasonable restrictions लगा सकते हैं as the company may by its AOA and in general meeting, यानी कि हर कंपनी अपने हिसाब से कुछ restriction वो भी reasonable लगा सकती है। but impose so however that not less than 2 hours in each business day, यानी कि हर business day में ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 घंटे से कम आप allow कर रहे हो, यानी कि एक business day में आपको 2 घंटे तो allow करना ही पड़ेगा, चाहे रिस्ट्रिक्शन लगाओ चाहे कुछ करो, 2 घंटे मतलब 2 घंटे अलाउ करना पड़ेगा। अगर आप किसी कंपनी में मेंबर हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप चेक करना चाहते हो तो हाँ भाई हम चेक कर सकते हैं, और कई कंपनी कहती है कि नहीं हम पूरे दिन में सिर्फ 8 से 9 अलाउड करते हैं चेक करना या 9 से 10 करते हैं, तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई कंपनीज एक्ट में लिखा है 2 घंटे तो देना ही देना पड़ेगा। बात समझ में? अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। सबसेक्शन 2 कहता है Any member shall be entitled to be furnished within 7 working days after he has made a request in that behalf to the company and on payment of such fees as may be prescribed with a copy of any minutes referred in subsection 1. यानी कि बोला अगर कोई भी member company को request करता है कि उसे company के particular इस meeting के minutes चाहिए, तो उसको उस minutes को दिया जाएगा within 7 working days में दिया जाएगा आफ्टर ही हैज मेड अ रिक्वेस्ट। जैसे ही उसने रिक्वेस्ट लगाई कंपनी को, उसके 7 दिन के अंदर अंदर उसको मिनट्स दिए जाएंगे। कितने डेज में दिए जाएंगे? 7 डेज में दिए जाएंगे। ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस, अगर कोई फीस है तो वो फीस वो पे करेगा एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड विद अ कॉपी ऑफ एनी मिनट्स, जो भी उसने मिनट्स मांगे वो उसको दे दिए जाएंगे। ठीक है, अब बोला देखो एक चीज़ को क्लियर रखना, ऊपर बोला है कि इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर टू दी इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर विदाउट चार्ज, यानी कि इंस्पेक्शन के चार्जेस नहीं है, बट बोला कि अगर उसे क्या चाहिए, मिनट्स चाहिए, तो उसको फीस देनी पड़ेगी। दोनों चीज़ों को अलग रखना, इंस्पेक्शन के चार्जेस नहीं है बट ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब विद अ कॉपी ऑफ एनी मिनट्स, अगर मिनट्स की कॉपी चाहिए तो चार्जेस लगेंगे। इंस्पेक्शन के चार्जेस नहीं है, मिनट्स की कॉपी के चार्जेस हैं, दोनों चीज़ें अलग अलग है, मिक्स मत करना।
सबसेक्शन थ्री, सबसेक्शन थ्री कहता है इफ़ एनी इंस्पेक्शन इज़ रिफ्यूज, अगर आपने बोला कि फलानी फलानी कंपनी है, एक्स वाई जी कंपनी है, आपने बोला कि मुझे उसके मिनट्स चेक करने हैं, आपको कंपनी ने मना कर दिया, इंस्पेक्ट करने के लिए मना कर दिया, और इफ़ एनी कॉपी रिक्वायर्ड, आपको या तो इंस्पेक्शन नहीं करने दी या फिर आपने जो कॉपी मांगी थी वो विद इन द टाइम यानी कि 7 working days में आपको प्रोवाइड नहीं की गई, तो क्या होगा? कंपनी पे पेनल्टी लगेगी 25,000 एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी पे लगेगी पेनल्टी 5,000 फॉर ईच सच रिफ्यूज़ल, यानी कि जितनी बार रिफ्यूज़ल होगा या जितनी बार डिफ़ॉल्ट होगा कॉपी प्रोवाइड ना करने में, हर बार का 5,000 रुपये लगेगा ऑफिसर पे, 25,000 लगेगा कंपनी, यानी कि दोनों पे लगेगा 25+5, ठीक है? ईच सच रिफ्यूज़ल और ईच सच डिफ़ॉल्ट, तो यानी कि कंपनी ने अगर इंस्पेक्शन मना किया या फिर कॉपी नहीं दी तो 25,000 कंपनी पे, 5,000 ऑफिसर पे, ठीक है? सबसेक्शन फोर कहता है इन केस ऑफ एनी सच रिफ्यूजल और डिफॉल्ट द ट्रिब्यूनल, अगर कोई रिफ्यूजल हुआ या डिफॉल्ट हुआ तो ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर दे सकता है? क्या ट्रिब्यूनल के पास कोई पावर है? हाँ, ट्रिब्यूनल के पास पावर है। ट्रिब्यूनल में विदाउट प्रेजुडाइज टू एनी अदर एक्शन बींग टेकन अंडर सबसेक्शन थ्री, यानी कि बिना सबसेक्शन थ्री को ठेस पहुँचाए, यानी कि उसको इफेक्ट नहीं पहुँचाएंगे, ट्रिब्यूनल चाहे तो ऑर्डर दे सकता है बाय ऑर्डर डायरेक्ट एंड इमीजिएट इंस्पेक्शन की, इमीजिएट इंस्पेक्शन होगी उसके मिनट्स बुक की, और डायरेक्ट कर सकता है कंपनी को कि जो भी कॉपी मांगी गई थी मिनट की शेल फॉर्थ विद बी सेंड टू द पर्सन रिक्वायरिंग इट, जिसने भी मांगी थी उसे साथ साथ भेजो। यानी कि ऐसा नहीं है कि सबसेक्शन थ्री की पेनल्टी नहीं लगेगी अगर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया तो, विदाउट प्रेजुडाइज टू एनी अदर एक्शन, इसका मतलब होता है कि बिना सबसेक्शन थ्री को ठेस पहुंचाए जो ट्रिब्यूनल है वो चाहे तो इसमें सबसेक्शन फोर में ऑर्डर दे सकता है। बात समझ में? अब रूल क्या कहता है? रूल कहता है रूल 26, एनी मेंबर शेल बी एंटाइटल टू बी फर्निश विद इन 7 working days, उसको दे दी जाएगी आफ्टर ही हैज मेड अ रिक्वेस्ट टू द कंपनी विद अ कॉपी ऑफ एनी मिनट्स जो भी उसने मांगे ऑन पेमेंट ऑफ सच सम एज मे बी स्पेसिफाइड इन AOA ऑफ द कंपनी, यानी कि जो भी फीस कंपनी के AOA में लिखी है बट नॉट एक्सीडिंग अ सम ऑफ 10 rupees फॉर ईच पेज और अ पार्ट ऑफ एनी पेज, यानी कि कंपनी के AOA में जो फीस लिखी है वो मेंबर को पे करनी पड़ेगी और उसको मिनट्स की कॉपी मिल जाएगी विद इन 7 working days फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है? बट AOA में लिखी है उतनी फीस देनी है बट 10 rupees से ज़्यादा, एक पेज के 10 rupees से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रोविजो कहता है दैट अ मेंबर हु हैज़ मेड अ रिक्वेस्ट फॉर प्रोविजन ऑफ सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, ये तो हमने बोला कि हार्ड कॉपी में चाहिए तो एक पेज का 10 rupees, बट अगर सॉफ्ट कॉपी में अगर किसी मेंबर ने रिक्वेस्ट करी तो इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनट्स ऑफ एनी प्रीवियस जनरल मीटिंग हेल्ड ड्यूरिंग पीरियड इमीजिएटली प्रेसिडिंग 3 financial year, पिछले 3 financial year में से किसी भी फाइनेंशियल ईयर की बोर्ड मीटिंग के अगर सॉरी जनरल मीटिंग के मिनट्स उसने मांगे सॉफ्ट कॉपी में मांगे तो शेल बी एंटाइटल टू बी फर्निश्ड विद द सेम फ्री ऑफ कॉस्ट, उसे हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ठीक है? देखो दोबारा पढ़ो, लिखा है दैट अ मेंबर हु हैज मेड अ रिक्वेस्ट फॉर प्रोविजन ऑफ सॉफ्ट कॉपी इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनट्स ऑफ एनी प्रीवियस जनरल मीटिंग हेल्ड, जो जनरल मीटिंग हुई है हेल्ड ड्यूरिंग पीरियड इमीजिएटली प्रीसीडिंग 3 financial year, इमीजिएटली प्रीसीडिंग 3 financial year में अगर कोई भी जनरल मीटिंग हुई है उसके मिनट्स मांगे जाते हैं वो भी सॉफ्ट कॉपी में मांगे जाते हैं तो उसकी कोई फीस नहीं लगेगी। तो आपको समझ में आया, मिनट सिर्फ कंपनी बनाती नहीं है, उसको इंस्पेक्ट भी कोई कर सकता है। कौन कर सकता है? मेंबर कर सकता है। रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखोगे, बिजनेस आवर्स में रखोगे, इंस्पेक्शन के लिए एटलीस्ट 2 hours अलाउड करोगे, 7 working days में दे देना, नहीं दोगे पेनल्टी लगेगी, ट्रिब्यूनल भी ऑर्डर दे सकता है अगर आपने उनको इंस्पेक्ट नहीं करने दिया या फिर कॉपी नहीं प्रोवाइड की, एक पेज के 10 rupees से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, और कोई भी मेंबर अगर सॉफ्ट कॉपी मांगता है तो आप उसको प्रोवाइड करोगे, पिछले 3 सालों में से किसी भी मीटिंग के मिनट्स मांगता है वो भी सॉफ्ट कॉपी में तो आप उसको प्रोवाइड करोगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसको प्रोवाइड करना है अगर किसी मेंबर ने रिक्वेस्ट करी है तो उसको प्रोवाइड करते हैं हम विद इन 7 working days में। तो बात समझ में आई? सेक्शन 119, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे सेक्शन 120 के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के बाय बाय, टेक केयर।